जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर सुरेश गौतम जी के लिए, काव्य पाठ के लिए डॉक्टर सुरेश गौतम जी। बहुत बहुत आभार प्रिय अखिलेश भाई। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अब हमें उस सोपान तक जाना है डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक, पर जो भी 8-10 मिनट आपके बीच में हूं तो यही प्रयास रहेगा कि आज संविधान दिवस है, एक राष्ट्रीय महापर्व का दिन है और यहां तक आने में बहुत कुर्बानी दी गई है, बहुत बलिदान दिया गया है। यह रास्ता इतना आसान नहीं था, किसी व्यवस्था की गलती के खिलाफ खड़ा होना, अपने देश के लिए लड़ना यह आसान बात नहीं थी। तब न हमारी सत्ता थी, न हमारी सरकारें थी, न हमको उस तरह से सुनने वाले लोग थे, न ही न्याय व्यवस्था में उस तरह से न्याय की व्यवस्था होती थी। तब कैसे हमारे शहीदों ने और सब लोगों ने संघर्ष किया होगा, उन सभी को प्रणाम करते हुए और आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर उन लोगों को याद करते हुए, जब उनको बलिदान उनके बलिदान को याद करते हुए जब उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है तो निश्चित तौर पर आपका साथ चाहूंगा। मैं जहां जहां से मुझे पंक्तियां याद आती है मैं आपको सुनाता हूं कि कोई तन के लिए कोई मन के लिए, कोई धन के लिए कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए। और हमारे देश क्यों, हमारा देश सुरक्षित है या हम कहीं मन में सांस ले पाते हैं हम कि नहीं, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक है, हमारे हमारे रक्षक भी है। और हमारे देश का एक एक बच्चे बच्चे के भीतर जो जज्बा है, तब मैं कहना चाहूंगा कि न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है। आप तक बात पहुंचे तो सूचित करिएगा दोस्तों, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं और देखें कि जब मैं बात करता हूं देश की तो मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चूंकि कानून पढ़ाता हूं, मैंने जैसा बताया आपको किसी विश्वविद्यालय से देश के खिलाफ दो चार बातें हो गई, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि इससे पूरे विश्वविद्यालय पे दोष नहीं लगाना चाहिए, पर ऐसे तत्व जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं उनको मेरा संदेश है कि बच्चे बच्चे की आंखों में यहाँ तिरंगा पलता है, बच्चे बच्चे की आंखों में यहाँ तिरंगा पलता है, इसीलिए आतंकी मंसूबों को देश खलता है। सुनो पागलों कान खोल कर बेमतलब मत बोलो, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है, तुम लोगों से नहीं देश ये हम लोगों से चलता है। और तब मैं आना चाहता हूँ उन शहीदों की शहादत की ओर भी आना चाहता हूँ जो अपने बलिदान से हमारे देश का मान रखते हैं, सम्मान रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीजगी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और आज का ये जो मंच है, हमारा देश भी संविधान की उसी भावना से जब संविधान दिवस हम मना रहे हैं कि जब ईश्वर ने, जब प्रकृति ने भी, आप देखिए कोई पेड़ ऊंचा है कोई नीचा है और कोई फूल हरा है लाल है पीला है, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग खुशबू है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम सबको पीला कर दे, सबको लाल कर दे, सबका रंग बराबर कर दे। चींटी है तो उसको हाथी बनाने की कोशिश करें, हाथी है तो उसको चींटी, ईश्वर ने ऐसा किया है, ये विविधता दी है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस विविधता के नाम में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो संविधान की मूल भावना भी है कि इंसानियत के हक का ऐलान होना चाहिए, इंसानियत के हक में ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। एक कविता, एक बड़ी छोटी सी कविता है, मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा और दादा इसको अभी आपने नहीं सुनी है, एक नई कविता है लेकिन पिछले कई दिनों और बहुत तेज वीडियो पे भी गई है,
सेना में आप जानते हैं चयन का मानक आदरणीय आप सब लोगों को प्रणाम करो। आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो जाए तो किसी को लिया नहीं जाता, बड़े सख्त मानक होते हैं साहब, बहुत उनके जो सोपान होते हैं, उनके जो स्टैंडर्ड से बिल्कुल तय होते हैं, थोड़ा सा भी कम ज्यादा वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन वही जवान, वही हमारा रक्षक 6 फुट 6.5 फुट का जब ब्लास्ट में या तमाम आतंकी गतिविधियों में जब इतने भर में सिमट के आता है, तो ये भाव की और पूजा की पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं। देखें कि जिस्म नहीं था जान नहीं थी, देखिए आदरणीय, जिस्म नहीं था जान नहीं थी, कुछ भी तो पहचान नहीं थी। जिस्म नहीं था जान नहीं थी, कुछ भी तो पहचान नहीं थी। घुंघराले वो बाल नहीं थे, वो मूंछों की शान नहीं थी। ध्यान रखिएगा, इतने में सिमट करके आया है हमारा शहीद। जिस्म नहीं था जान नहीं थी, कुछ भी तो पहचान नहीं थी। घुंघराले वो बाल नहीं थे, वो मूंछों की शान नहीं थी। आंख नहीं थी आंखें कान नहीं थे, कंठ नहीं थे गान नहीं थे। नहीं थी आंखें कान नहीं थे, नहीं थी आंखें कान नहीं थे, कंठ नहीं थे गान नहीं थे। नहीं थी आंखें कान नहीं थे, कंठ नहीं थे गान नहीं थे। एक पोटली भर में तू था, कुछ टुकड़े थे प्राण नहीं थे। एक पोटली भर में तू था, कुछ टुकड़े थे प्राण नहीं थे। पांव नहीं थे हाथ नहीं थे, हंसते दिखते दांत नहीं थे। पांव नहीं थे हाथ नहीं थे, हंसते दिखते दांत नहीं थे। सारी दुनिया साथ थी लेकिन बस तुम मेरे साथ नहीं थे। सारी दुनिया साथ थी लेकिन बस तुम मेरे साथ नहीं थे। ताबूतों में वजन नहीं था, ताबूतों में वजन नहीं था, बेटे तेरा बदन नहीं था। ताबूतों में वजन नहीं था, बेटे तेरा बदन नहीं था। ओढ़ तिरंगा जो तू आया, शान वतन था कफन नहीं था। ओढ़ तिरंगा जो तू आया, शान वतन था कफन नहीं था। उनकी शहादत को सल्यूट करते हुए, सलाम करते हुए, और हम लोगों के बीच और यह जो कार्यक्रम है जो आप लोगों ने आज इतने मन से किया है, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। और खास तौर से छोटे भाई अजय और रत्नाकर भाई और हमारे अवतार किशन भाई और आप सब लोगों की जो मेहनत है कि कोरोना के इस नकारात्मक काल में जो कविता का दीप जलाए है, मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, ये देश सकारात्मकता का है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और हमारा संकल्प क्या है आज इस संविधान दिवस के अवसर पर, हमारा संकल्प क्या है, अपने देश को कितना सुंदर और बेहतर बनाना है। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। और तब मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिल जाए तो हम जैसे रचनाकार भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए। ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए। उड़ाने हो बिना डर के न तूफानों का खतरा हो, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए। और नौजवानों, या तो आप नौजवान हैं या तो अभूतपूर्व नौजवान हैं, मैं बुजुर्ग नहीं मानता। इस देश को आपसे क्या आस है, मैं कहना चाहूंगा। और जब मैं परिवर्तन की बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षक भी हूँ, तो मेरे परिवर्तन में कहीं खून और हिंसा नहीं आती है। मेरे परिवर्तन का अर्थ होता है जहाँ पे आप घर में भी देखें तो आप सही बात बोले, सही चीज का समर्थन करें और गलत का विरोध करें, और बाहर भी। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे। अगर आपके घर का बच्चा खराब हो रहा हो तो वहां पर भी आपको बोलना चाहिए, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना। जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को नया इतिहास लिख देना। बहुत मन से सुन रहे हैं, एक दो मुक्तक करके अपनी बात खत्म करूंगा। नौजवान पीढ़ी भी बहुत यहाँ बैठी है, और मंच पर दो हमारी रचनाकार जो हमारी बैठी हैं, जिस आदि आबादी की बात होती है, तो दो चार पंक्तियां को समर्पित करके मैं उस कविता तक आना चाहता हूँ। उसके बाद अपना स्थान लूंगा कि हो चाहे लोग कितने, देखिए जिम्मेदारी आपकी है,
क्या बिना माँ बहन बेटी पत्नी इनके बिना क्या जीवन संभव है? ये सृष्टि है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं कि कोई घर बिना इनके चल सकता हो। मैं 400 पंक्तियां सम्मान की पढ़ता हूँ और सम्मान की लाज आपके हाथों में। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्नी हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्नी हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। और देख के गुड़ हत्या का इशारा कर रहा हूं कि इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। सचमुच आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। दो एक पुस्तक के बाद मैं अपना स्थान लूंगा। थोड़ा जहां जहां से पंक्तियां याद आ रही है अखिलेश भाई आप भी सुनिएगा। वो बरसों का प्यासा है समंदर मांग लेगा वो बरसों का प्यासा है समंदर मांग लेगा वो, जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो, जो धरती मिल गई उसको तो अंबर मांग लेगा वो। नए इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम, नए इस दौर का आशिक है वो, रहना संभल कर तुम। जो हंस कर बात कर लोगी तो नंबर मांग लेगा वो, हंस कर बात कर लोगी तो नंबर मांग लेगा वो। धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, मिलने के ख्वाब मन में कोई बुन तो रहा है। बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है। हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, यादों में ही रह जाएंगे तुम देखते रहना, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम देखते रहना, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम देखते रहना। तुम भी हमें भुला दो हम भी तुम्हें भुला दें, यादों के पालने में एक दूजे को झुला दें। खाओ कसम हमारी ख्वाबों में आओगे तुम, हमको कसम तुम्हारी खुद को अभी सुला दे, हमको कसम तुम्हारी खुद को अभी सुला दे।